Hello students, I am your science teacher Aman, class first, and today I am going to teach you chapter second. चैप्टर सेकेंड को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आपका चैप्टर फर्स्ट जो आप रीड कर चुके हैं, जिसका नेम था पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मतलब कि शरीर के अंग, ठीक है, वो आप रीड कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं और बुक की एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर चुके हैं. इसलिए आज हम चैप्टर सेकेंड यानी कि हाउ वी नो थिंग्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है. तो इस चैप्टर का नाम है हाउ वी नो थिंग्स. किसी भी चीज़ को हम कैसे जानते हैं कि वो क्या है. THINGS थिंग्स, थिंग्स मतलब कोई भी सामान, कोई भी वस्तु या फिर कोई भी चीज़. KNOW नो मतलब जानना, WEV मतलब हम, और HOW हाउ मतलब कैसे, ठीक है. तो इस चैप्टर के नेम का मतलब यही है कि हम किसी भी चीज़ को कैसे जानते हैं कि वो क्या है, कैसे जानते हैं, ठीक है. तो देखते हैं, वी नो थिंग्स बाय द वे दे लुक. थिंग्स आर ऑफ डिफरेंट शेप, साइजेस एंड कलर्स, ठीक है. हम किसी भी चीज़ को देख कर जानते हैं कि वो कैसी है. LOOK के लुक, लुक मतलब देखना, ठीक है. तो हम जब भी किसी चीज़ को देखते हैं तभी हम ये समझ पाते हैं, जान पाते हैं कि वो क्या है, ठीक है. थिंग्स आर ऑफ डिफरेंट शेप, साइजेस एंड कलर्स. कोई भी सामान, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ के शेप्स में, SHAPES शेप्स मतलब आकार, SIZES साइजेस, साइजेस मतलब आकृति, एंड कलर्स, COLOURS कलर्स मतलब रंग. किसी भी चीज़ के आकार, रंग या आकृति में फ़र्क होता है यानी अंतर होता है. DIFFERENT डिफरेंट, डिफरेंट मतलब फ़र्क या फिर अंतर, ठीक है. तो किसी भी सामान के शेप्स, साइजेस एंड कलर्स में डिफरेंस होता है. कोई भी सामान होगा तो उसके रंग में, उसके आकार में, उसकी आकृति में फ़र्क होता है, अंतर होता है, तभी हम उसे देख के बता पाते हैं कि वो क्या है और क्या नहीं है, ठीक है. ये देखिए, SHAPES शेप्स, शेप्स मतलब आकार. यहाँ पे लिखा है अ बॉल इज़ राउंड एंड एग इज़ ओवल, ठीक है. ROUND राउंड, राउंड मतलब गोल. यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बॉल दी गई है जो कि गोल है, मतलब कि राउंड है, और यहाँ पे एग है यानी अंडा, EGG एग, एग मतलब अंडा, जो कि ओवल है, ठीक है. तो आप इसे देखकर बता सकते हैं ना कि ये एग है और ये बॉल है, क्योंकि जो बॉल है वो राउंड है, यानी उसका आकार जो है, उसका जो शेप है वो राउंड है, और एग जो है उसका शेप क्या है, ओवल है. तब हमने इसको देखा तभी हम इसको बता पाए कि ये एग है और ये बॉल है. तो ये शेप्स है यानी ये आकार है, आप आकार को देख के बता पाते हो कि वो क्या है. सेकेंड है साइजेस, SIZES साइजेस, साइजेस मतलब आकृति. अ मार्बल इज़ अ स्मॉल, अ बॉल इज़ बिगर, ठीक है. यहाँ पे आप फिगर देख रहे हैं, यहाँ पे एक बॉल दी गई है जो कि बड़ी सी है और एक छोटी सी मार्बल बॉल है, यानी कि एक छोटी सी पत्थर की बॉल है जो कि छोटी है. तो मार्बल, MARBLE मार्बल मतलब होता है पत्थर. तो जो पत्थर की बॉल आप यहाँ पे देख रहे हैं वो छोटी सी है. SMALL स्मॉल, स्मॉल मतलब छोटा. बॉल इज़ बिगर, ये बॉल बड़ी है. बॉल इज़ बिगर, BIGGER बिगर, बिगर मतलब बड़ा, ठीक है. तो आपने शेप्स में बता लेंगे आप देखकर कि इन दोनों के आकार में अंतर था, इसलिए आपने बता लिया कि ये बॉल है और ये एग है. और इन दोनों की आकृति में अंतर है, इसलिए आपने बता दिया कि ये बॉल बड़ी है और ये मार्बल बॉल छोटी है, ठीक है. बॉल मतलब गेंद, BALL बॉल, बॉल मतलब गेंद जिससे आप खेलते हैं. और स्मॉल, SMALL स्मॉल, स्मॉल मतलब छोटा. और BIGGER बिगर मतलब बड़ा, ठीक है. अब आते हैं कलर्स पे. COLOURS कलर्स, कलर्स मतलब रंग. सनफ्लावर्स आर येलो, SUNFLOWERS सनफ्लावर्स, सनफ्लावर्स मतलब होता है सूरजमुखी का फूल जो कि येलो है, YELLOW येलो यानी कि पीला है, ठीक है. LADYS लेडीज, FINGERS फिंगर्स, लेडीज फिंगर्स मतलब भिंडी जो कि ग्रीन है, GREEN ग्रीन, ग्रीन मतलब हरी है. ये देखिए यहाँ पे सनफ्लावर का पिक्चर दी गई है जो कि पीले रंग का है, और ये भिंडी है ना, लेडीज़ फिंगर को ही हम भिंडी कहते हैं जो कि हरी है. तो आपने क्या देखा इसमें कि सनफ्लावर का रंग कलर येलो है और भिंडी यानी लेडीज़ फिंगर का कलर ग्रीन यानी हरा है, मतलब कि इन दोनों के रंग में अंतर है, डिफरेंस है, तभी तो हम बता सकेंगे ना देखकर कि ये क्या है. तो आपने इस चैप्टर में, इसमें, इस पेज में आपने क्या समझा कि ये शेप्स, साइजेस एंड कलर्स किसी भी सामान के आकार,
आकृति और रंग में अंतर होता है, तभी हम उसे देखकर बता पाते हैं कि वो क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। और आज के लिए जो आपका होमवर्क है वो आप देख लीजिए। होमवर्क मतलब होता है घर का काम। राइट एंड लर्न 5 वाइल्ड एनिमल्स नेम। ठीक है, मैंने आपको दिया है राइट मतलब लिखना है और लर्न मतलब याद करना, क्या 5 जानवरों के नाम। WILD वाइल्ड मतलब जंगली और ANIMAL एनिमल मतलब जानवर। ठीक है, और NAME नेम मतलब नाम। तो आपको 5 जानवरों के नाम लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। यहाँ मैंने जो लिखे हैं उसी को आपको लिखना भी और उसी को आपको याद भी करना है। LION लॉयन, लॉयन मतलब शेर। TIGER टाइगर, टाइगर मतलब चीता। ELEPHANT एलिफेंट, एलिफेंट मतलब हाथी। FOX फॉक्स, फॉक्स मतलब लोमड़ी। और BEAR बेर, बेर मतलब भालू। ठीक है, तो आपको अपना होमवर्क ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट करना है। ऐसा करने से आप किसी भी चीज़ को भूलेंगे नहीं, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी लिखने की और याद करने की। ओके, थैंक यू एंड वी विल मीट टुमारो।